देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यों के भुगतान का मामला विधायक विशाल पटेल ने विधायक निधि से बेटमा नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाले जमात खाना में पेवर ब्लॉक लगाने के लिए घोषणा की थी। वहीं विधायक पटेल और उनके साथियों ने जल्दबाजी में एमएस कंस्ट्रक्शन से जमात खाना में 7,56,000 रुपए के ब्लॉक्स लगवा लिए हैं और उसका भूमि पूजन कर लोकार्पण भी करवा लिया, किंतु उस कार्य का भुगतान पिछले 6 माह से अटका पड़ा है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में ठेकेदार ने बेटमा नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान बब्बी दरबार से भुगतान हेतु निवेदन किया तो दरबार ने बताया कि इस राशि का भुगतान विधायक निधि से होना है, जिसकी राशि विधायक निधि से परिषद को प्राप्त होना थी। विधायक विशाल पटेल ने लोकार्पण के 6 माह बाद भी विधायक निधि नगर परिषद बेटमा के खाते में प्रेषित नहीं की है, जिससे कि ठेकेदार का भुगतान जारी नहीं किया जा सकता। और यदि विधायक विशाल पटेल ऐसा नहीं कर सकते तो वह लिखित में दे कि वो राशि देने में असमर्थ है, तब नगर परिषद और अधिकारियों से चर्चा कर ठेकेदार को उनकी पूरी रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही विधायक और अध्यक्ष के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और उसी आरोप सिद्ध करने पर एक दूसरे को राजनीति छोड़ने की चुनौती भी दी थी। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरे को 5 महीने ब्लॉक लगा के होगा, पेमेंट हुआ नहीं मेरा नगर पालिका अध्यक्ष साहब के पास, हाँ पेमेंट के लिए 5 महीने चक्कर खा गया, मेरा पेमेंट हुआ नहीं। तो आपके समाज का कौन आदमी था जिसने विधायक से मिलकर बात करी थी? अध्यक्ष थे इनके समाज के, हुसैनी समाज के, हुसैनी चौक में समाज में जो भी अध्यक्ष हैं 3-4 आदमी, उन्होंने पेमेंट नहीं करवाया। जब विधायक जी ने घोषणा की थी जिसके बाद में अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो आपने उनसे वापस संपर्क नहीं किया? विधायक जी पास भी गया था मैं, 2-3 बार गया हूँ, बोले करा देंगे करा देंगे। फिर आगे आपकी क्या प्रक्रिया है? आगे मैं अध्यक्ष महोदय के पास में आया हूँ पेमेंट के लिए, नगर परिषद भेज रहा हूँ। तो नगर परिषद में आपको क्या आश्वासन दिया गया? नगर परिषद में बात करने का बोला। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। एमएस कांडे मामला जो है उसके बारे में आप क्या जानकारी? हुसैनी जमात थाने में पेवर ब्लॉक के मामले में मेरे पास एमएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के हमारे सलमान भाई के पिताजी जिनके नाम से टेंडर लिया, सलमान भाई के नाम से टेंडर हुआ था नगर परिषद बेटमा में। ये टेंडर हुआ 1-2-2020 को फरवरी को, और इसके बाद में टेंडर खुला 24-2-2020 फरवरी में, और इसका प्रस्ताव फरवरी में 28 तारीख को नगर परिषद में हुआ था। और इसमें कुछ दिन पूर्व यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो कि कांग्रेस के उस समय सरकार के प्रतिनिधि और यहाँ के जो सामाजिक लोकल लोग हैं, उन लोगों ने उस जमात खाने में ठेकेदार जी को बोल के, इनका ऐसा कहना है कि मुझसे बोल के पेवर लगवा गए, और पेवर इनसे लगवा गए 7,56,000 रुपये। ठीक है, 7,56,000 रुपये के पेवर लगवाने के बाद में वहाँ पर बोले कि हमने विधायक निधि से और इससे पेवर लगवाया, ये यहाँ के लोकल विधायक जी के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका कहना है मुस्लिम समाज में। मेरा कोई मुस्लिम समाज से व्यक्तिगत विरोध या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरे लिए बेटमा नगर में हिंदू मुस्लिम सब परिवार जैसे लोग हैं, पारिवारिक सदस्य जैसे हैं। तो यहाँ के कुछ समाज के लोग और साथ में हमारे ये ठेकेदार जी मोहम्मद सलीम जी, इनके लड़के ने टेंडर लिया था सलमान जी ने, तो ये यहाँ पर आए, ये पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। इस पेवर ब्लॉक का आपने लोकार्पण, आपने भूमि पूजन इसका किया, तो मेरा विधायक जी से ये निवेदन है कि जब आपने लोकार्पण भूमि पूजन किया तो आपके कार्यकर्ता या आप लोगों ने जो भी यहाँ के कांग्रेस की राजनीति करते हैं, इन लोगों ने इनका गरीब व्यक्ति का इनका पेमेंट दिलवाना चाहिए। आप 6 महीने से इनको पेवर ब्लॉक लगा दिया, पेवर ब्लॉक लगवाने के बाद में इनसे दबाव बनवा के पेवर लगवा दिया, प्रशासनिक अधिकारियों को खिलवा के और झूठा सच्चा आपने पेवर ब्लॉक लगा के उसका लोकार्पण कर दिया। आप लोकार्पण एक नहीं, आप 1,000 लोकार्पण करें, ऐसी मेरी आपको शुभकामना विधायक जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ऐसे झूठे लोकार्पण नहीं करें, कम से कम थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो ईश्वर को जवाब देना। आपको जैसे बेचारे गरीब आदमी के 7,56,000 रुपये का इनका पेवर ब्लॉक का पेमेंट टेंडर हुआ, और उसमें आप 5 लाख रुपए की राशि जो 9-7-2020 फरवरी में आप लेटर 9 जुलाई को लेटर जारी कर रहे हैं, आपने लोकार्पण पहले कर दिया उसका, और उसके बाद में आपके कार्यकर्ता लोग और ये उस पर 9 तारीख के दिन इनको लेटर दे रहे, और वो भी नगर परिषद मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से दे रहे हैं, जबकि आपको इनको और वो भी अधूरी राशि का लेटर दे रहे हैं 5 लाख रुपये का। आप तो 7,56,000 राशि, 7,56,000 ठेकेदार का पेमेंट करें आप विधायक निधि से। इसके बाद में आप इसमें भी लेटर जो है जिला सांख्यिकी विभाग को ऐसा लेटर जाता है आपके यहाँ से, आप मुस्लिम समाज को भ्रम पैदा कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में जबरन भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, हम झूठा सच्चा की राशि दे रहे हैं। आप दे ना राशि 7,56,000 रुपये, हम तो लेने के लिए तैयार है नगर परिषद। आप नगर परिषद के लिए आप आदरणीय कलेक्टर महोदय को लेटर लिखें,
जिला सांख्यिकी विभाग को लेटर लिखे, वहाँ से नगर परिषद को आपके अकाउंट में से विधायक निधि से जो राशि रहती है आपकी उसमें से कट जाएगी, आप राशि दें। और ये इस जमात खाने का जो बोल रहे हैं ये लोग कि हमने विधायक निधि से करा, ये जमात खाने का टेंडर नगर परिषद से हुआ, ये जमात खाने का नगर परिषद बेटमा से ये प्रस्ताव है, ये सब जमात खाने का काम नगर पंचायत बेटमा ने किया है, तो आप झूठे कैसे करें हमने करवाया। ये सब पेपर आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं एक भी आरोप गलत नहीं बोल रहा हूँ और एक भी आरोप मैं गलत नहीं लगा रहा हूँ। ये सब नगर परिषद से टेंडर होके और पूरा प्रस्ताव होके इसका राशि का पेपर में इसका टेंडर हुआ और टेंडर होके ये सब जमात खाने का पेवर लगा, और पेवर लगने के बाद या तो आप दो राशि, आप नहीं दे सकते हैं तो आप मुस्लिम समाज से बोलें कि मैं नहीं दे सकता हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, तो हम लोग देंगे नगर पंचायत से। और हम लोगों को तो नगर परिषद से इसकी राशि जो है, मैं तो समय देता हूं आपको 2-4 दिन का, आप इसमें लेटर जारी करें, और नहीं करें तो फिर 4 दिन बाद मुस्लिम समाज विधायक जी के यहाँ जाए सभी लोग, वो तुमसे बोलेगा, आप निवेदन करेगा, आप हमको राशि दो, सभी लोग जाके, आप जितने भी जिनने बोला, जिन लोगों ने यहाँ के नगर के जिनके प्रमुख कार्यकर्ता है, ये लोग जाके उनसे राशि की मांग करें, वो दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नगर परिषद से ही, मेरे पास आए ठेकेदार जी, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करके इनका पेमेंट की व्यवस्था हम करते हैं बात करके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।